Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. Substation control panel equipment में आज हम जो equipment देखने जा रहे हैं वो very important equipment है. ये है energy meter, यानी कि कितना supply आपके यहाँ से बाहर जा रहा है या तो आप receive कर रहे हैं वो energy meter में काउंट होता है. एनर्जी मीटर अभी पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आते थे, लेकिन अभी जो एनर्जी मीटर आते हैं वो न्यूमेरिक एनर्जी मीटर्स आते हैं, डिजिटल एनर्जी मीटर. तो उसमें सब जानकारी मिलती है, जैसे कि मेन तो एक MWH या KWH मिलता है, तो किलोवाट आवर यानी कि यूनिट अपना, बाकी कौन से फेज में कितना वोल्टेज है, कितना एम्पियर है, KVR कितना है, ये सब जानकारी अभी डिजिटल एनर्जी मीटर में मिलती है. तो देखते हैं एनर्जी मीटर में क्या क्या होता है और उसका वायरिंग कैसे होता है. यहाँ पे एक एनर्जी मीटर दिखाया गया है जिसकी डिस्प्ले में अपने को KWH दिख रहा है. और एनर्जी मीटर में सबसे ज़रूरी चीज़ ये KWH है. और यहाँ पे जो तीन ये दिखाई दिया, 1, 2, 3 दिखाई दे रहे हैं, वो अभी डिजिटल एनर्जी मीटर में दिखाई देते हैं कि तीनों फेज में वोल्टेज अवेलेबल है. और बाकी एनर्जी मीटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दो बटन्स दिए होते हैं और हर एनर्जी मीटर में इस तरह से होता है. अभी एनर्जी मीटर में यहाँ पे लिखा है कि 3-phase 4-wire एनर्जी मीटर है और 11 kV/√3 / 1110/√3 एंड डैश बाय 5 एम्पियर में का एनर्जी मीटर है ये. तो ये जो एनर्जी मीटर है वो 11 केवी सिस्टम के लिए है. तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग एनर्जी मीटर्स रहते हैं और उनका कैलकुलेशन भी होता है, वो कभी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे. और जैसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मीटर होते थे तो वो अपने टर्न के हिसाब से KWH काउंट करते थे कि यानी कि इतने टर्न होंगे तो एक KWH होता है. लेकिन यहाँ पे जो डिजिटल एनर्जी मीटर है वो पल्स पे चलता है. तो ये पल्स का बटन है और ये एनर्जी मीटर जो है वो 160 पल्स पर यूनिट, यानी कि 160 पल्स हो गए यहाँ पे तब अपना एक KWH बढ़ेगा, इस तरह से होता है. अभी इसका वायरिंग किस तरह से होता है, 3-phase 4-wire वायरिंग है तो किस तरह से होता है वो देखते हैं. जैसे यहाँ सबसे पहले कि R फेज का CT है वो इन होता है, उसको मेन बोलते हैं. यहाँ से R फेज का CT है वो लोड यानी कि मेन से फिर बाहर निकलता है. अभी ये बाहर निकलेगा वो वायर को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. उसी तरह Y फेज जो CT में से आता है वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा और इसको हम आगे ले जाएंगे और उसको फिर से स्टार बना के वापस अपने सिटी सेकेंडरी सर्किट में चला जाएगा. तो उसी तरह ये बी फेज है और मेन यहाँ पे है कि पीटी तीनों फेज का देना होता है. तो आर फेज का पीटी ये दो जो है मेन और लोड उनके बीच में, वाई फेज का पीटी यहाँ पे और बी फेज का पीटी इस तरह से. और पीटी का जो न्यूट्रल होता है, हमने पीटी के वीडियो में देखा है कि पीटी का न्यूट्रल होता है और वो यहाँ पे लगता है. तो इस तरह से अपना एनर्जी मीटर का वायरिंग होता है. अभी आगे देखेंगे कि पैनल में किस तरह से होता है. पहले एक देख लेते हैं कि एनर्जी मीटर खुद कैसा होता है, एक एक्चुअल एनर्जी मीटर देखते हैं. डिजिटल एनर्जी मीटर, डिजिटल एनर्जी मीटर में कनेक्शंस किस तरह से होते हैं वो यहाँ पे देखते हैं. पहले कि यहाँ पे जो सबसे पहला कॉन्टेक्ट है वो सिटी इन होता है और तीसरे में सिटी आउट होता है और बीच में अपना पीटी लगता है. तो ऐसे यहाँ पे आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज और यहाँ पे न्यूट्रल लगता है. तो इस तरह से अपना सिटी का कनेक्शन एनर्जी मीटर के साथ होता है. ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में हमारा KWH, MWH, MW, R फेज, Y फेज, B फेज के करंट कितने हैं, वोल्टेज कितना है, वो सब यहाँ पे दिखाई देता है. और
ये जो डिस्प्ले है उसके अंदर वो सब हमें डिस्प्ले दिखता है। तो इस तरह से अपना एनर्जी मीटर होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी पैनल का। तो इस तरह से होता है एनर्जी मीटर। तो ये एनर्जी मीटर है जो हमने देखा, तो वो उसके वायरिंग किस तरह से कहाँ से आती है अभी वो देखते हैं। तो हमने एक बार सबसे पहले जो सिटी का वायरिंग देखा था वहाँ पे चलते हैं। अभी हमने एक सिटी का वायरिंग का वीडियो बनाया हुआ है और वो यहाँ पे है चैनल पे। तो उस वीडियो में जो सिटी का मीटरिंग पार्ट होता है, मीटरिंग कोर, उसका वायरिंग किस तरह से होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे आर फेज की सिटी है ये, तो आर फेज के जो दो कनेक्शन है R1S1 और R1S2 वो इस तरह से यहाँ आते हैं। वाई फेज बी फेज सेम उसी तरह आते हैं। उसमें से हम जो मेन कनेक्शन होता है उसको D11, D31, D51 बना के मीटर अपनी पैनल में लेके जाते हैं। और जो दूसरा कनेक्शन होता है सिटी का, वो तीनों सिटी का दूसरा कनेक्शन जो होता है उसको कॉमन करके अर्थ करते हैं और उसको स्टार बनाते हैं। और चौथा वायर जो होता है वो D71 बना के पैनल में लेके जाते हैं। अभी देखते हैं कि पैनल में किस तरह से होता है। तो यहाँ पे पूरा पैनल में किस तरह से वायरिंग होगा वो दिखाया गया है। जैसे आगे हमने देखा कि D11 होता है, तो D11 यहाँ पे पैनल में आता है और पैनल से यहाँ पे TDB में जाता है। TDB से फिर वो अपना एनर्जी मीटर में जाता है। तो ये चीज़ जो है एनर्जी मीटर, आज हम इसकी बात कर रहे हैं। अभी एनर्जी मीटर से निकल के कहाँ जाता है वो हमने पहले बात किया। तो वो जो निकल के आता है वो दूसरे जो भी सिटी यूज वाले मीटर होते हैं उन सब में जाके फिर एक जगह पे वो न्यूट्रल बनता है और न्यूट्रल वापस अपना D71 में आ जाता है। तो हम यहाँ पे इस एनर्जी मीटर की बात कर रहे हैं। अभी इस एनर्जी मीटर को एनालाइज करके देखते हैं कि किस तरह से वायरिंग होता है। जैसे कि आगे हमने देखा कि सिटी का जो वायरिंग होता है वो सिटी एमके बॉक्स से होते हुए हमारे पैनल में पहुंचता है, और पैनल से अभी एनर्जी मीटर का वायरिंग किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो पैनल में जो अपना D11 वायर पहुंचा है वो निकल के TTB से होता हुआ यहाँ पे पहले कनेक्शन में जाएगा एनर्जी मीटर के, और दूसरे कनेक्शन से निकलेगा। और वो हमने आगे जैसे देखा कि बाकी कहीं मीटर होते अगर उसमें कनेक्शन करना है तो वो हो सकता है, अगर नहीं करते हैं तो वो डायरेक्ट हमें D71 में दे देना है। यानी कि एनर्जी मीटर की सर्किट इस तरह से पूरी होती है। अभी हमको कोई भी इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस करना है तो इस जो लोड वाला कनेक्शन है उससे निकाल के हम दूसरा इक्विपमेंट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरह जो अपना PT वायरिंग होता है, तो PT से हमारा PTM के बॉक्स से होते हुए पैनल में E11 आता है, और E11 जो होता है वो यहाँ पे बीच में देना होता है PT के लिए। तो ये अपना R फेज हो गया। उसी तरह Y फेज का कनेक्शन करेंगे, उसी तरह PT देंगे Y फेज की, और B फेज का कनेक्शन होगा और B फेज जो न्यूट्रल बन के वापस आएगा और B फेज की PT का कनेक्शन होगा उसमें। और अपना PT का जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल का कनेक्शन एनर्जी मीटर के न्यूट्रल में रहेगा। तो इस तरह से अपना एनर्जी मीटर का कनेक्शंस रहते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि पूरा जो पैनल है उसमें किस तरह से वायरिंग हुआ रहता है। तो जैसे अब तक बात हुई कि पैनल में D11 आया है, तो वो D11, D31, D51 और D71 किस तरह से अपनी पैनल में जाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा TTB आता है, टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक, फिर आता है एनर्जी मीटर, फिर सिटी का ही कनेक्शन के लिए एक आता है MW मीटर यानी कि मेगावाट मीटर, फिर MVAR मीटर,
और फिर एम्पियर मीटर। और भी कोई अगर मीटर है जिसमें सिटी का कनेक्शन होता है तो वो इसमें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी कनेक्शन किस तरह से होंगे वो देखते हैं कि यहाँ से D11 का जो वायर आया वो अभी TTB से होता हुआ एनर्जी मीटर में अंदर गया, एनर्जी मीटर में गया वो D12 बन के जाएगा, और उसमें से निकल के जो आता है वो D13 बन के निकल के आएगा और वो अपना MW मीटर में जाएगा, तो वहाँ पे D14 बन जाएगा। D14 जो होता है वो D15 बन के बाहर निकलेगा और MVAR मीटर में जाएगा, और D15 जो है वो अभी D16 बन के एम्पियर मीटर में जाएगा। अभी यहाँ पे एम्पियर मीटर के बाद हम अपना न्यूट्रल बना रहे हैं तो वो बन जाएगा अपना D71। तो उसी तरह से बाकी दो फेज का वायरिंग होता है, और यहाँ पे देखिए ये तीनों फेज का न्यूट्रल बन गया है और ये न्यूट्रल यहाँ से D71 में पहुँच गया है। तो यहाँ पे मेन अपना एनर्जी मीटर के लिए बात कर रहे थे इसलिए ये सब दिखाया। बाकी हमारी जो सीटी वायरिंग का थर्ड वीडियो है उसमें आप डिटेल में ये सर्किट को जान सकते हैं। तो थैंक यू, और आपको और क्या जानना है उसके बारे में आप हमें बताते रहिए। काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।